ये जो चैप्टर है हम लोग का क्लास 7 का फ्रैक्शन मैथ, बट इस फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है ये पहले जानेंगे। तो बच्चों देखिए, फ्रैक्शन फ्रैक्शन वैसा नंबर होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये पूरा नंबर नहीं होता, कंप्लीट नंबर नहीं होता है, टुकड़ों वाला नंबर होता है। लाइक अगर हम लिखें ए बाई बी, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अब ए क्या है, बी क्या है, तो यहाँ पे बी जीरो के बराबर नहीं है, तभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। अब ए जो हमारा होगा और बी हमारा होगा, दोनों का अलग अलग नाम होगा, ठीक है। ए को क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, और बी को क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। ओके, ए हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और बी हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर। और ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे आप लिखें 2/5, 6/7, 9/14, इट इज, ये सारे हमारे क्या होंगे, फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर। इसी तरह से इसमें ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। हाँ, एक और बात कि जो डिनोमिनेटर हमारा है वह कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तभी हमारा वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। तो आपका क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आप पहचाने फॉलोइंग फ्रैक्शन में कौन सा, कितना न्यूमरेटर है और कितना डिनोमिनेटर है। जैसे अगर इसका क्वेश्चन बन जाएगा तो इसमें हम लोग कहेंगे 2 हमारा न्यूमरेटर है और 5 हमारा डिनोमिनेटर है, इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। अब एक और बात कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 5, 7, 9, 14, तो क्या यह नंबर फ्रैक्शनल नंबर है, तो बिल्कुल है। कैसे है, तो सारे नंबर के नीचे हमारा 1 छुपा हुआ होता है, 7/1, 9/1, 14/1, तो ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, तो इस तरीके का हमारा नंबर भी मिल सकता है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखें कि फ्रैक्शन कितने तरह का, सबसे पहले फ्रैक्शन जो होगा हमारा वह होगा डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होगा डेसिमल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे एक ही बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारा 10 100 1000 इस तरीके का होगा, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे 3/10, ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा 10 है, ठीक है, इसको हम लोग 0.3 लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल देखें, जैसे 15/100, तो ये भी हमारा क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में हमारा 10 का ही टर्म चलेगा, 10 के अलावा कुछ नहीं होगा, तभी हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होगा अदर नंबर देन होल नंबर, अदर देन
10,000, 100, 1,000, इसके अलावा अगर कोई नंबर भी होता है तो उसको हम बता देंगे वल्गर फ्रैक्शन का, जैसे आपका 3/4, 100/109, 13/40. अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर जो होगा ये ग्रेटर देन न्यूमरेटर, यानी बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, ए बाई बी लिखते हैं तो इसमें बी जो है ए से बड़ा होगा, तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हम लिखें एग्जांपल 5/6, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर 6/5 लिखते हैं तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा इस तरह का होगा। अगर डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर देन उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक अगर हम लोग ए बाई बी लिखते हैं तो यहाँ पे बी इज ए इज ग्रेटर देन बी, अगर एग्जांपल देखें 6/5, 7/4, 6/3, ये सब हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल होगा मिक्स फ्रैक्स। मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्टेड इन प्रॉपर फ्रैक्शन बाय यूजिंग कोई। अगर हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में होल नंबर का यूज करके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे हम लोग लिखेंगे 1/3, 1:2/3, ये हमारा क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन होगा। ये हमारा क्या है, होल नंबर है और ये फ्रैक्शनल है, तो दोनों को मिक्स करके हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो जैसे हम एग्जांपल लिखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का 5/3, ये हमारा 5/3 क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसमें हमारा एक होल नंबर भी जुड़ जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, और 5 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 और यहाँ पे, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये कंप्लीट होल नंबर हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, और रिमाइंडर जो बचा है हमारा वो ऊपर लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में जो 3 हमारा था वो 3 यहाँ पे रह जाएगा।
इस प्रकार से हम यहाँ पे हमारा वेलिंग फ्रैक्शन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन फ्रैक्शन हमारा अलग अलग होगा। अगर इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा लेकिन वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब कैसे होगा तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। अगर हम लिखें 5/6, ये हमारा एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 10/12 लिख सकते हैं। और ये दोनों हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए, अब 5/6 है, अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 5/6 ही होगा, ठीक है। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं। गुड। अच्छा, नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। अब यह 1 जो है हमारा कैसे आ सकता है, तो 1 आ सकता है, देखिए, अगर 2 में 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। अगर 3 में 3 से डिवाइड कर दो तब भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। 4 में 4 से डिवाइड कर दें तब भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब कि 5/6 में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1, तो ये वाला 1 मल्टीप्लाई करें, यानी 2/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 12। अब 5/6 है, 5/6 में ये वाला 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3/3, तो 15/18। अगर 5/6 में ये वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी तो 1 है, 4/4, देन ये हमारा 20/24 आ जाएगा। ये सारे के सारे नंबर हमारा क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। अगर ढेर सारे फ्रैक्शन हैं, जैसे 5/6, 7/5, 8/5, 9/9, 11/9, 12/9, 5/9, ये ढेर सारे हमारे फ्रैक्शन। इसमें लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे, तो अगर इफ डिनोमिनेटर ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन इज इक्वल, देन द नंबर इज लाइक फ्रैक्शन। अब जैसे देखिए, ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों क्या हो गया, लाइक। ये नंबर और ये नंबर हमारा क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन, ये और ये नंबर हमारा क्या हो गया, लाइक। डिनोमिनेटर ऑफ
टू और मोर फ्रैक्शन नॉट इक्वल अगर दो या दो से अधिक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो वो सब क्या होगा अनलाइक जैसे 5/6 7/4 8/3 9 ये सारे के सारे क्या है अनलाइक फ्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सारे का अलग अलग है इसीलिए क्या है अनलाइक।